चलो मैडम यहाँ भी देखिए, इधर भी देखिए सर, थोड़ा इधर आइए सर, थोड़ा इधर आइए। हाँ हम क्लोज थोड़ा स्माइल स्माइल लुक सेंटर एक सेकंड है नहीं आप आगे क्यों बढ़ रहे हो सर? आइए आइए भाई सर आइए। सोलह कम सानी कम अरे हां यार आइए और आइए। लुक बैक स्माइल 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 साथ राजेश आइए आ रहे हैं नाउ बिकॉज़ यार सेंटर को गेस्ट हमारे आ रहे हैं और हम लोग अंदर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। हम लोग अभी सिंगल सिंगल ले रहे हैं मैम। इधर भी देखिए आप, हम लोग मैम मुझे देखिए मैम बैक बैक मैम वन मोर मैम एक बार और फिर से मैम एक बार और आइए ना आइए आइए शॉर्ट लेने दो, शॉर्ट की बार आते हैं। बहुत बढ़िया चलो सर आगे आगे बात साइड 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 सर उनके सर आइए पीछे 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 सर होल्ड कीजिए सर आइए सर थोड़ा मीडिया पीछे हो जाए तो पीछे पीछे जाओ पीछे पीछे है थोड़ा। किशन कहाँ है? आशीष भाई को बुलाइए आगे। और कैमरास कट कट कर चलो ओके आगे ट्राई डन नेक्स्ट। आई वुड रिक्वेस्ट नीति टू कम फॉरवर्ड एंड हम चाहिए मिलेंगे। चलिए बोला था अपने को नहीं मालूम, अपने नहीं बोला टेलीग्रामा टेलीग्रामा वाला या मैम यहाँ देखिए मैम सामने मैडम आप भी देख लीजिए। हाँ हाँ जी धन्यवाद। और फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू मैम। आइए अच्छा कट है कट है कट है। अश्वित प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज वेलकम मिस्टर राजीव टोडे एंड प्रिंस विश्वकर्मा हु आर द एक्टर्स ऑफ दिस सॉन्ग। या मैम सेंटर सेंटर थोड़ा अंदर आइए ना, अंदर बेटा अंदर आइए आपके अंदर आइए आप यहाँ आ जाइए मैम वाइट वाले मैम दस साइड या हाँ हाँ बेटा आ जाओ वाइट वाले ब्लैक वाले में ओके ओके सर ओके मैम। एंड ये जो म्यूजिक वीडियो है इसको डायरेक्ट दशरथ ने एंड राजेश चौधरी प्लीज आइटम लगे था बाकी तो काम है सर। क्या बात चलिए थैंक यू। राकेश जाके देने का नहीं। चिता जी आ गया, सुनिए चिता जी आ देखिए यहाँ सुपरस्टार नहीं किया मंच पे गए तुमने कितनी बार। थैंक यू सो मच। एकदम फर्स्ट क्लास। आपण मस्त आपण कसे सर्वांची। ओके दिस समथिंग मराठी दैट आई ट्राई टू लर्न टू एड्रेस ऑल ऑफ यू। A warm welcome to one and all present here. I thank all our dignitaries to come to this event. Please on the official launch of our video. राके इधर उधर एक आगे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ सर आप सेंटर में आइए ना सर। सर सामने है, सर सामने है ना सर। आप राजीव सर लाइट्स ऑफ नहीं चलिए चलिए ये एक बार लॉन्च कर देते सर। लॉन्च करने के बाद सर लॉन्च करने के बाद सर याद है आइकॉन यहाँ पर सर। ठीक है थैंक यू। ओके रेड भैया ये थैंक यू सर। रेड 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 अरे यार प्रोजेक्टर बंद करो। 1 मिनट भाई प्रोजेक्टर बंद करो, प्रोजेक्टर बंद कर दो। यस यहां आप देखिए मैम यहां देखिए सेंटर। थैंक यू। मैंने बोलता हाँ बोलिए आपको हो गया ना। सो दिस इज रोशनी, दिस इज प्रिंस, दिस इज राजीव द सिंगर, आशीष कुलकर्णी एंड द प्रोड्यूसर राजेश चौधरी। लेट अस वेलकम एंड अरे फोटोग्राफर वो बीच में आ रहा था फोटोग्राफर खाली वसा दर्शक आज हमारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। सो आई टेक यू फॉर राइट एंड द माइक इज ऑलवेज ओके सामने बोलिए अंदर। Hello everybody, thank you so much, राजेश सर। मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ नेपाल की तरफ से। हमारे राजेश समाज महानायक राय समाज चाहिए। मैं उनको दादा बोलता हूँ, ताई मतलब दादा में बिग पड़ उनका ये। तो अभी हमारे सर है इधर, हमारे सर सबको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। हमारे चेहरा सॉन्ग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नेपाल में। शुरू हुआ जो इंडिया और नेपाल का जो इंडो कल्चर का जो हमारा फ्रेंडशिप था उसको इसमें दिखाया गया हुआ है। तो बहुत अच्छा हुआ काम करके यहाँ पर मुंबई में आके यहाँ पर रिलीज हुआ तो बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर दशरथ और मेरे दोस्त लोग रोशनी, नीति शाह एंड राजीव भाई और आशीष सर सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू आप सबको। हरे कृष्णा, दिस इज रोशनी। पर एक चीज पूछूंगी पहले तो स्पीच से, जैसे आप लोग को अच्छा लगा सॉन्ग? बहुत अच्छा। आउट ऑफ 10 बी ऑनेस्ट। हां बहुत ही अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई थिंक आई वुड स्टार्ट विद सेइंग दैट आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। The reason being it's like Indo-Nepal friendship song, right? And I got the opportunity. Thank you so much Rajesh sir, thank you so much Dasharth sir. And जब मैंने पहली बार ये song सुना I fell in love with the voice. So thank you. Yeah, and it's a beautiful song, and you know it has been composed in such a just manner. So I think it did justice to the song and the purpose, the vision that Rajesh sir had. And being in Nepal, shooting for it, I did not feel like I'm away from home. The country is so warm. The people out there are so warm. They're so welcoming. And I loved it. It was a wonderful experience, and I got a very good friend, Niti. Yeah, she's a darling, and it was a pleasure working with Rajiv ji and Prince as well. So yeah, I think it's good because you liked it, so I'm happy. Thank you. Hi everyone, I am Niti Shah. I am a model in Nepal and I was also Miss Nepal International in 2017. I started at a very early age and it's been almost a decade that I've been working in Nepal. It's been an absolute pleasure. I feel like a dream that I'm in Bombay working with all of you. Very grateful for this opportunity, Rajesh sir, and the entire team. It felt like a family. Thank you for coming to Nepal and giving us this huge platform to be here in Bombay, because this is a really great platform for all the Nepalese aspiring stars. So thank you so much. Very happy to be here. Thank you. Namaskar, I'm Rajiv Pillai. Namaskar Thapa sir, Rajesh sir, Vikas sir, and all of you to come over here. And as Roshmi said, I'm not repeating the words. It was indeed a great experience. How do I say? People over there in Nepal were so warm, so welcoming, and so happy to see us. There were not even a single incident where we felt that we were out of India. That was the best part of the country. And yeah, Director Dasharth sir, he was always there. Thank you sir. And the whole Zoom was envisioned by this man over here, Rajesh Bhai. And he made it sure that it was made in such a way that people liked it. And thank you Ashish for such a great time. And thanks to my co-stars, of course. Yeah. Thank you. I'd like to thank everybody for coming here today. First of all, आप सब लोग मुझे मिल चुके हैं इससे पहले. We have hung out before this. I know आपने interviews लिए थे. तो most of you I already know. तो बस ये कहना है कि फिर से एक बार मुलाकात हुई. मैं चाहता हूँ मुलाकात होती रहे और बार ऐसे और गाने आते रहे. और first of all, I genuinely from the bottom of my heart like to thank Rajesh ji for all the support, for all the encouragement. For guiding me throughout this process, for sharing his vision with me and making me a part of his plans and giving me this opportunity to compose this song. मेरे लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी opportunity थी ये. Luckily हुआ ऐसा कि मैं नेपाल जाके भी आ गया during the course of making this song. So मैंने देखा कितनी खूबसूरत country है नेपाल, बेहद खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ कि मैं महीने में 3 बार जाऊँ नेपाल, कितनी खूबसूरत लगी मुझे. तो yeah, I mean, I'm really glad and I'm genuinely very thankful and thank you so much sir. Sir, आपका अपने माइक पे गाना हो जाए. Please sir. अच्छा यही वाला सुनो. हां सर. पहाड़ों ने ओढ़ रखी बर्फीली चादर है, हिमालयों की चोटियों से बातें करता अंबर है, चमकती है लहर तेरी जैसे संगे मरमर, दिलों का सुकून देती हवा तेरी छूकर है, आसमां को है कि यार जानती ज़मीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन है. So thank you so much. Okay, thank you everyone. Thapa sahab, namaskar. Rajesh Kumar ji, welcome to India. Sir, thank you. Vikas bhai and everybody else, Kushi, all my friends who have come. This song is a dream come true. 7 साल 8 साल से मैं बिजनेस कर रहा था नेपाल में. काफ़ी होटल प्रोजेक्ट्स में हमारे काफ़ी इंस्टॉलेशंस हैं और मैं एक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ नेपाल जाके और लोगों से मिलके, I fell in love with that country. It is such a wonderful country. इतनी beautiful जगह है, I mean से unexplored. A lot of places in Nepal are still unexplored. So Pokhara जाता हूँ and the warmth of the people really made me feel that, you know, let's do something with Nepal. Similar things I have plans. That's my second thing that I would do in the later part of 2022 is Sri Lanka. So these two countries are very close to my heart. So Nepal, why? Because you know, I feel that, you know, I could connect with people. जिनके साथ भी business किया, it was really a wonderful experience. मैंने कई लोगों को guide किया, उनके businesses को काफी ऊपर लेके गए हम and they are into kitchen equipment setups. So काफी hotels में हमने installations किए. तो मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं. So when I quit my job, I did a first film, which is with Mr. Sandeep Malani has directed my film. He came up with the idea, and then we made a beautiful film. और उस फिल्म का आपको एक रिव्यू हम दिखाएंगे. और मैंने सबसे पहले जो प्रण लिया जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हालांकि मेरा आई एम एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ जी टीवी. मैंने 95-96 में जी टीवी में काम किया. तब एस एल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और लॉरेंस रोड में हमारा ऑफिस था. सुबह बैठ के जाता था एंड आई वाज इन द एड सेल्स डिपार्टमेंट, और शाम तक कुछ ना कुछ लेके आता था. हमारे आलोक ओझा जी थे, वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो दिस गाइज परफॉर्मिंग. उधर से आई डिडंट लुक बैक. एंड देन थोड़ा सा बैकग्राउंड है ऑल्सो इनटू कोऑर्डिनेशन ऑफ फिल्म्स. मार्वल स्टूडियोज के साथ नोएडा में उनका काफ़ी फिल्म्स का कोऑर्डिनेशन किया. डी रामा रेड्डी साहब के लिए किया है, गोली वेल के लिए किया है, काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस था. तो मुझे करना था कुछ इस ये लाइन में. मेरा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी था दिल्ली में, और मैंने कई बड़े बड़े NGOs के लिए इवेंट्स किए हैं. सो ऑल दिस अगेन यू नो आई वेंट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. मैं कुछ 13-14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था. आई वाज हेडिंग नील कमल का साउथ इंडिया हेड था, फिर एक अमेरिकन कंपनी उसका हेड था. आई क्विट माई जॉब ऑन 17 सितंबर एंड आई लॉन्च माई यू नो बैनर, एंड द नेम ऑफ द बैनर इज अश्मिता एंड अमीशा फिल्म्स, नेम्ड आफ्टर माई डॉटर्स. और मैंने एक चीज़ ठाना कि मैं कोई भी कंटेंट बनाऊंगा, आई शुड बी एबल टू वॉच विद माई डॉटर्स गिल्ट फ्री. सो ये मेरा प्रण है, और आप लोगों के सामने भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वायलेंस या सेक्स दिखता नहीं है. यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड डू समथिंग गुड, सम मैसेज शुड बी देयर. सो इंडो नेपाल प्रोजेक्ट मेरा जो है एक ड्रीम कम ट्रू है. लाइक आई सेड कि नेपाल में कुछ करना है तो नेपाल के लिए कुछ करो. तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया क्या है कंटेंट जो नेपाल को प्रमोट करता है ग्लोबली. सो गाने थे बट नेपाली में थे, तो मैंने बोला कि हिंदी गाना बनाते जो हम इंडिया में उसको प्रमोट करेंगे. देन आई सिलेक्टेड 2 पीपल फ्रॉम इंडिया, एंड राजीव भाई एंड रोशमी फ्रॉम इंडिया, एंड प्रिंस एंड नीति फ्रॉम नेपाल, एंड डायरेक्टर इज फ्रॉम नेपाल, प्रोड्यूसर इज फ्रॉम दिस थिंग, सिंगर इज फ्रॉम India, and the composition is from India, and the post production and everything, lyricist is also from India. Arafat Mehmood sir आने वाले थोड़ी देर में. So he has done ध्वनि का जो गाना है, कौन सा गाना है वो बहुत फेमस, वास्ते गाना, वो बहुत फेमस है. ढूंढने को मुझे लगा आप गाना चाहते. So it is really amazing working with Nepal. I would like to take another 1 or 2 minutes to tell you that इतना अच्छा डायरेक्टर मुझे मिला. हमने बस फोन पे ही सारा बात किया, एंड आई ट्रस्टेड हिम एंड देन आई इंटरेस्टेड द वर्क ऑन हिम, एंड आई सेड वी आर लैंडिंग. दिस जेंटलमैन वाज वेरी बिजी शूटिंग. आई सेड इनके बस सिर्फ 3 दिन है, हमें 3 दिन में ख़त्म करना है. ही प्लान द होल थिंग एंड देन वी लैंडेड. हम वहाँ पोखरा गए, पोखरा से धम्पुश गए. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंट्री साइड. वहाँ पे एक ब्यूटिफुल लोकेशन है. वी वर्क लाइक ए फैमिली. Roshni and all of you can relate to it that we work like a family. Or cost-wise also, it's not expensive to shoot in Nepal. I would say Bollywood should really think and explore, and come and shoot in Nepal. और काफी कुछ है possibility हम कर सकते हैं. There is a film city that is being planned, so you know that very soon you will hear that something is being planned. Thapa साहब से कल बात हुई, and it was really amazing to see his support. Rajesh Amal ji is really very supportive of any initiative that I take. So post this, we are also thinking of an Indo-Nepal cricket match, and we are also thinking of an Indo-Nepal Big Boss House. Big ambitious projects, but I'm sure we'll be able to do it. So Rajiv bhai is supporting with the cricket. So why don't you say a few things about it? I'm a cricket enthusiast, but still, Rajesh bhai came with this idea, and in fact I played, there is something called CCL which was happening, Celebrating Cricket League. So I did captain the Malayalam team for a few years. So I have some experience with that. When he came up with that, he wanted a celebrity team from India, which includes cricketers and actors, to play with the national team of Nepal. He went and spoke with the national cricketing captain of Nepal. So he's Sankar. And then it's going forward. So it's a good thing which involves international cricketer Srikanth going there and picking up talents from Nepal. So he has a huge vision, in fact, a very brave vision. I hope and pray it's gonna be a reality, and which is gonna be really good for Nepal cricket as well. Thank you. So I went there and I thought, let me bring back something. So ek to ye cricket match hai, then we thought Nepal Big Boss house where half people will be from Nepal and half from India. So it will be amazing, and we're thinking of doing it in Nepal only. So the other thing is that I met Dasharth ji and I saw some of his shows. So I said, मैं कुछ लेके जाता हूँ यहाँ से, तो क्या लेके आया हूँ वहाँ से? इनका एक बहुत important और अच्छा talk show है, which is called VFI Talks, Voice for Youth Talks. I will let him talk about it. So मैं उसको इंडिया में लेके आया हूँ, उसका जो इंडिया चैप्टर होगा वो मैं इनके साथ करूँगा. So why do you say? Okay, before that, I'll just talk about this subject. The chairperson of this program is Rajesh Chowdhury, and the chief guest, the pride of our nation, the Mahanaik of our country Nepal, Mr. Rajesh Chowdhury, and obviously I'll say Master Thabanai and some other distinguished dignitaries, and my dear journalist. I'll just say about quite experience about this project. It was very nice. It was very homely environment while working with my class and crews, and obviously Rajesh and I. Having said that, Nepal and India has so many things like similarities, history, and if you really observe our neighboring countries, you can see like similar. This music video aims to exchange our culture to the international area. And whole music video has been filmed in Nepal. As you say, all lyrics describe about our country. As you all know, Nepal is the land of mystic mountains, the land of, as well, the highest, top of the highest rock peak, Mount Everest, the land of Gautam Buddha. And the lyrics describe about our beauty, our nature, our customs, our tourism places. I would say this is not only the song, this is the gift for Nepal. And I would say thanks to Mr. Rajesh Chowdhury. This is not only your song, the whole music, video, and lyrics gift for our nation. I would say, and really thanks from the core of my heart, Rajesh. And last but not least, thank you so much. It was very, amazing experience I worked with my cast and crews like Rajiv, Niti, Roshmi, and Prince. And Nepal is very safest and very cheapest land in the entire world. I would like to invite some Bollywood filmmakers and some regional filmmakers from here to have some kind of shooting activity in Nepal. और किस बोलना है? Yeah. मैं आज हिंदी और नेपाली बोलना चाहता हूँ because this is Indo culture. We have to exchange our language as well. So I have to speak in Nepali because you guys are long Nepali language, right? जैसे हम इधर हिंदी बोलते हैं तो आप लोगों ने भी नेपाली सीखना चाहिए. इसी बोलते हैं Indo culture, right? तो वो Indo नेपाल है, exactly. और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं संपूर्ण भारतीय मीडिया पर जो लाइक तो भाई वो अमूल्य समय चेहरा गीत को लगी दिनभर से तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं संपूर्ण उपस्थित महानुभावों. This is our language because we have to learn our language, right? And thank you very much. Thank you very much. Apart from this music video, I am a television program producer, director, and youth entrepreneur as well. I have a very big show in Nepal called BFY Talks. It means Voice for Youth. where you can see a lot of people, a lot of success personalities over there. And throughout this talk, so... Good afternoon, everybody. Namaskar. Namaskar. आपको भी सर, नमस्कार. बहुत खुशी हो रही है. I'm very happy to be here in Mumbai, you know. Mumbai, of course, hasn't been a new place for me. I've been here many times over the years. The first time I came here was maybe around 30-35 years ago. And I've been working in Nepali films for the last 30 plus years. It's almost 32 years. But my age is only 25. So when you do your maths, go home and do your maths, you know. So it's a wonderful time here. I must thank Rajesh Chowdhury for bringing me over this time because I was being hungry for Mumbai. You know, I haven't been in Mumbai for the last 3.5 years, and I have such a fond memory, especially in the 90s and early 2000s. When I had come here to shoot Nepali films, I've probably come here to shoot maybe 5 or 6 Nepali films during those last 25 years in Film City and Essel Studio. Does that still exist? Is it still called Essel Studio? Or is it called something else? Is it still Essel Studio? Yeah, okay. So I've done I've shot a few films over there and a few films at the Film City and have very fond memories. Have quite a few friends and that I know who are close to my heart. And Master Thapa happens to be one of the person. Master Thapa, you must come here. Every time I come to Mumbai, my visit is incomplete without meeting this gentleman over here. Why don't you stand up and he's a very charismatic guy and he's been a very strong force and a prominent member of Shiv Sena. With him I had gone to Bal Thackeray's house and met when he was still alive about 10-12 years ago, and Smita Thackeray, we met them together, and Udaipur Thackeray. We have yet to meet Rajiv? Raj Thackeray. Yeah, I have yet to meet him, but I've met the rest of the other family. So thank you very much. And I'm so impressed with what Rajesh has in the pipeline for Nepal and for India and the relationship between the two countries. And I'm totally amazed by the kind of ambition that he has, especially in the creative field that he wants to do to promote, especially the relationship between Nepal and India, because you see, art is a soft diplomacy, and I always believed that through art and through culture, the ties between the two countries can be much more stronger than political ties. You know, sometimes politics can go haywire, sometimes political happenings can be misunderstood. But as long as there is a great cultural tie, as long as there is a great people-to-people relationship, then the relationship between the two countries is extremely stable and it never wobbles. So Rajesh is doing an extraordinary thing through art to bringing two countries together, Nepal and India. And sometimes I feel that he has a very ambitious project, but I do want to give my support and help wherever I can, because I want his dreams to come through. He wants me to do a Hindi song, which is again something new for me, because you know, in the last 32 years that I've been working in Nepali films, there's only one project that I have done outside of my country, and that happens to be, I don't know if I should be telling this here, but that happens to be a Pakistani film. So I've done one Pakistani film way back around 10 years ago, but I've never featured in any of the Hindi songs. However, I must tell you that I started off my modeling career from India. Way back in my 20s, I had come to Mumbai and have done ramp walking, and I've done fashion modeling, you know, when I was in my early 20s. I've done a lot of photo shoots at Juhu Beach and Palm Groves and Sun and Sand Hotel, which was very prominent, iconic features those days. And have done a few modeling assignment in New Delhi as well at Maurya Hotels and etc. But after that, then I went to Nepal and I've been working in Nepali film. And fortunately, I've been in Nepali film for the last 32 years, churning out. Huh? And then I studied in Chandigarh, Palle. No. Waters, the rajma and the chawal and the lassi and whatnot. So they were all excellent. So thank you very much for being here, you know, especially the members of the press. I'm sure that you will disseminate this news, and people of Mumbai and people of India will know that how close we, both the countries can be, you know, because sometimes politics betrays us, but the cultural ties and the people-to-people tie will never betray us, as long as we have a good intention in the heart, right? So Rajesh Chowdhury, I always say that, you know, he's an Indian person with a Nepali heart. Because he has so much love for our country, you know, and it's only recently that I've met him, but it feels like that I've known him for ages. It's like 5-6 months that I met you first time, and I know I met him about 6 months ago, and now I feel that I've met him for all my life. More than 30, all my life, 25 years. And again, you know, meeting the whole cast, like Rajiv is such a gentleman over here, and he's got a fantastic look, so I hope that he will also be part of Nepali films in the future. I'm saying that if I come with an offer, please don't say no. And then Niti, of course, you know, she is from Nepal. We met several times, right? And she's been doing great works. And there's something over here in a tiny package that is ready to explode. You know? Vibrant things always come in tiny packages, so she happens to be one of them. And Prince, of course, you know, I've known him for so many years now, and he's been an excellent guy, and he's very passionate about acting, and you know, wants to do something in the field of cinema. I wish him all the best. And Dasharth, how can I miss you? Dasharth is, like he said, you know, he runs BFY talk shows. You can go to YouTube and type BFY and you'll come and see his several interviews that he has broadcasted. And I've been in, what, 2 or 3 of those interviews that he has done. And we had a great association doing that. And on a personal level also, we are very good friends. He comes to my house and we talk and discuss about creative works and about life. And not only about life, but we also talk about mind, body, and spirit, don't we? Huh? And we talk about world history, we talk about a lot of things, you know, and he really is a great listener. He's a great listener. And Rajesh was always complaining that Dasharth doesn't smile, but whenever I speak to him, he was always smiling. So Rajesh is never smiling, you see. Every time I speak to him, I mean, you can see all his teeth, and he's smiling from year to year. And he's an excellent guy. He probably doesn't say so much, but he really puts in his effort in whatever he's doing. He's very passionate, he's very hardworking, he's very focused in what he is doing. So it's a great team here, and Ashish Ji, how can I forget him? You know, I admire singers a lot, and I envy them as well, because I think singing is such a gift, and when you've got to be born with that talent, there's no way that you can practice, or no matter how hard you work, if you don't have the basis of that talent, you can never be a great singer. So it's a God gift to have a great voice and to be a great singer, because I did dabble in singing in my career. And I know how hard it was. It's really hard. It's I had to take a lot of technical helps, you know, in order to come out all right. So Ashishji, thank you so much for singing this. No, that's not singing this wonderful song and picturizing this in Nepal and bringing the two cultures together. Thank you for your presence. You want to show him or a little on? There's a, you know, I've done like over 280, 290, close to 300 films in the last 32 years. There was a time when I was churning out maybe 12 to 14 films in an average every year. And that went on for about good 12 years. And I was putting in 16 to 18 hours every day, working in Nepali film, day and night. So in the last 32 years, I've done close to 300 films. And most of my films have been where I have portrayed a role of an average underdog and, you know, representing the normal Nepalis. And that's one of the reasons why a lot of my Nepali fellow Nepalis, my brothers and sisters, you know, they have be given a place in their heart, because they truly feel that I'm one of them. It's not even actor and fan relationship that I have with my people in Nepal. It's more like a family member in Nepal, and I really appreciate that. And I'm never tired of praising and appreciating the love and affection that I get from the people of Nepal. They've been a backbone, and in my career, they've been a motivating force. So most of the characters that I've done was for the underdogs, for the normal people, and it has forceful dialogues. So I'm going to say a few of dialogues. I did a film called Sankar, you know, in most of my films I'm either called Sankar or Arjun. So some of my fans, you know, they even call me Sankar instead of calling me Rajesh Chowdhury, right, when they see me. Satya Samara Dushta Vinasak Pralayankar Huma Devalagi Sakcha Mritu Sankar Huma Sajjan ko lagi naik, Durjan ko lagi khalnaik, Dushman ko naam, Ram naam Satya cha Anyaya na nyaya dina Rajesh Daya Audai cha. And now I have a short one. Sanjay Raut has salam, Dushman ka radio has falam. Thank you. Thank you so much, sir. It's always wonderful to. शादी में जाना मजेगा. आपका जो संघर्ष है और आपने जो नेपाल के लिए किया, कल आपने बताया इतना सारा काम थोड़ा सा और हमें ओम शांति शांति शांति। विश्व में आज जो कोरोना का महामारी फैल रहा है, उसके लिए जितने लोग भी विश्व में कितने कोरोना काल में मर गए होंगे, एक सेकंड के लिए हम उनके लिए आत्मा के लिए शोक शांति रखते हैं विश्व में। थोड़ा खड़ा हो गया सबसे पहले महाराष्ट्र के धरती में मेरी थोड़ी हिंदी टुकड़े को माफ करना, मिक्स होते हैं नेपाली मराठी सब मिक्स होते हैं। 45 साल से महाराष्ट्र में नेपाल में जन्मा हूँ। महाराष्ट्र की इस भी धरती, 70 देश वाली महाराष्ट्र की धरती में जो भी प्रवास से नेपाली यहाँ आया या हिंदुस्तान से कहीं से भी आया, इस धरती में जिसने पसीना गिराया उसको कभी भूखा सुना नहीं पड़ा, कभी होना जाना नहीं पड़ा, कभी घर जाना नहीं पड़ा, उसको पैदल जाना नहीं पड़ा। 2 रुपया लेके आओ या 2000 लेके, करोड़ों रुपया कमा के यहाँ से रिटर्न जाते हैं। हमें जीता जी आज 19 साल के बाद मिला जीता जी। मैं भी थोड़ा सावले कुंभ से हूँ, वो तो मार्शल आर्ट से मैं भी थोड़ा सा 86 में हमने भी थोड़ा गोल्ड मेडल लिया था। ये धरती ऐसी है महाराष्ट्र की, आप धरती माँ को प्रेम करोगे यहाँ तो आप पिछलोगे नहीं। हम नेपाली लोग के लिए यहाँ के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी स्वर्गीय, हम स्वर्गीय नहीं बोलते, उनकी वजह से आपकी यहाँ खड़ा होने का औकात हमें मिली है। हमारे छोटे भाई उनके 24 घंटे सेवा करते थे चंपा सिंह थापा, और एक मुगल सेवक थे हमारे नेपाल के, तो मसल बावर भी थे शिवसेना के पहले नगर सेवक KD थापा थे, किंग बहादुर थापा साहब, आप कोई पत्रकार लोग को जानते होंगे। उनकी वजह से नेपाली लोग महाराष्ट्र में बहुत आना शुरू हुआ, बहुत से क्षेत्रों में उनको श्रमजीवी कामगार बोलते हैं, उसको काम मिलना चालू हुआ, तकलीफ नहीं हो इसके लिए बहुत से संगठन बनी। उसी तरह से नेपाली कामगार सेना बोल के एक संगठन बनाया गया शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के हाथों से। नेपाली कामगार सेना का मैं संचालक हूँ, थोड़ा अध्यक्ष, और उन्होंने संजय राउत जी को दिया सलाहकार कि एक MP चाहिए भारत वर्ष में, हमारे कम से कम 1.5 करोड़ नेपाली यहाँ काम करते श्रमजीवी है, 10% तो उद्योगपति होंगे, उद्योगपति भी है, डॉक्टर भी है, साइंस भी है। अभी तो यहाँ बहुत बड़े लोग हमारे पहले पीढ़ी थे, हम खाली कुकरी लेके आते थे, अभी यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन है, होटल है, डायरेक्टर्स है, अच्छे फील्ड में भी है। तो हमारे नेपाली लोग की एक खासियत है कि हम जहां भी जाए शक्कर के जैसा मिल जाते हैं, अगर गलत किया तो गर्दन भी काट डालते, उसका खून भी पी जाते। यह हकीकत है, शिवसेना की वाणी नहीं है, गुरखा की वाणी। गुरखा को प्यार करो तो जान दे रहे क्या राजे थे। आज विश्व में आज भी हिटलर ने उस टाइम बोला था मेरे पास गुरखा होता तो विश्व जीत लेता था, मैंने चाराना हार गया कि गुरखा मेरे पास नहीं थी। कि वो है आज भी जिसके घर में गुरखा काम करते। अब इतिहास देखो, मोदी जी के घर में भी जब मोदी जी कुछ नहीं थे, मैं व्यक्तिगत बाला साहब ठाकरे जी की कृपा से उनको मिलने का चांस मिला। सीएम बनने से पहले, सॉरी पीएम बनने से पहले उनको संभालने वाला भी नेपाली हमारा भाई। अभी भी नेपाली लोग हमारे बहुत से दिल्ली में घर में, किचन में, ड्राइवर में, सारथी। श्रम कोई छोटा काम नहीं होता, तो श्रम नहीं करना चाहिए, श्रम को श्रम नहीं करना चाहिए। हम श्रम देते हैं, खून नहीं बेचते। आप भी कोई देश में भारत से बाहर जा रहे हो, श्रम बेच रहे हो, खून नहीं बेच रहे हो, डरने की जरूरत नहीं। आपका कलम कला बेच रहे हो, आपको शरीर नहीं बेच रहे हो। आपको कोई सोचता है तो वो बुजदिल है, वो नामर्द है सारा। तो नेपाली लोग आज यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ राजेश जी ने मुझे निमंत्रण दिया। अचानक मुझे मेरा मित्र मालूम पड़ा, इनका भी नाम राजेश है। फोन आया, मैं कल दिल्ली जाने वाला था, सत्यपाल सिंह हुआ में कुछ काम था, कामगार के लिए। तो राजेश हमारा जी का मेरा इतना पुराना रिलेशन है, कम से कम 25 साल का रिलेशन है। बहादुर पिक्चर का पहला शूटिंग में मुंबई आए थे वो, तभी से मित्र के थ्रू पहचान हुआ। जिस तरह उनको हंसी थे, जो खानदान से, ऐसा किसी ने बताया नहीं, और रॉयल फैमिली के खानदान से नेपाल में, उनका पिताजी राजपूत थे अमेरिका के, वो शौक से हुए बने। और एक पैसे का घमंड नहीं, हम शिवसेना वाले थोड़ा घमंडी रहते। मैं उनको मिलने चले गए, अभी हमारे बाबा साहब के दरबार में तो सब आते थे, शाहरुख खान से लेकर दिल्ली सब दुनिया दरबार में आती थी। हम उनको छोड़ते थे, दर्शन भी करते थे। बाला साहब नाचने गाने वाले बोलते थे एक्टर लोग को, उससे ज़्यादा दूर रहो बोलते। तो राजेश जी को मिला, उनमें वही गुण नहीं देखा मैंने। वो कहाँ शूटिंग करना है भाई, महाराष्ट्र में क्या परमिशन है, साहब ने बोला उसको मदद करो। तो हम लोग उनके साथ 4-5 नेपाली लोग लगे रहे। हमारे अशोक सिंह नेपाली थे, संपर्क प्रमुख नेपाल शिवसेना के, अभी भी है उद्धव जी के साथ। तो उनका पहला पहचान था, उनके थ्रू हुआ। हम महाराष्ट्र में शूटिंग किए। ये आदमी में ऐसा गुण देखा हमने, गुरु सिंह घमंड सिंह नहीं, तो हमें इनसे दोस्ती हो गई। इनका मैं फ्रेंड, बाकी एक्टर लोग को मानता है, लेकिन ये एक्टर नहीं, ये इंसान है। ये नेपाल में भी जाओगे समय देते हैं, यहाँ भी आने का समय देते। छोटे गरीब को भी हमारे नेपाली, अभी कोरोना हुआ नेपाल में, कितना कोरोना को इन्होंने मदद किया। बेघर पेपर में आए हमारे हीरो ने, अभी बीच में हिंदुस्तान के नाम नहीं बोलना चाहता, उनको भी हमारे नेपाली ने ट्रेनिंग दिया। तुमको चिता सर नाम नहीं बोलता, आप समझ गए होंगे, हमारा कंपटीशन लग गया। आप ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए दिखा रहे हो, उन्होंने घर से खुद का पैसे से मदद किया। यहाँ से बॉर्डर में जितने अटके थे, मैंने कितने हमारे बस से जा रहे थे उनको उन्होंने खुद के खर्चे में बुलाया, लाखों रुपए मदद किया। कहीं मीडिया में नहीं आया, इसको बोलता है मदद करना। हमारे शास्त्र में बोला जाता है हिंदुस्तान का कि एक हाथ से मदद करो तो एक हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। तुम बोल दिया तो गुण खत्म हो जाता है, ऊपर एंट्री नहीं होता है। आज कलयुग में कोरोना ने दिखाया कि आपको ऊपर बैंक बैलेंस होना जरूरी है। बैंक का बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आता है, पैसे से आप जान बचा नहीं सकते। ऊपर का बैंक सुइस वाला, नीली छतरी वाले, चाहे राम बोलो रहीम बोलो, जिस ऊपर एक ही शक्ति है, रास्ता कोई रास्ते से जाओ, चर्च के पहुंचना है आपको, यानी वहां पहुंचना है आपको। तो उनको खुश रखना है, उससे छुपा कुछ नहीं, कण कण में वो है। ये चीज हमने शिवसेना प्रमुख से सीखा। राजेश जी को देखने वाला, उनको मैं छोड़ता नहीं, कोई आने वाला। हमारी टीम नेपाल के हमारे सरोहर है, वो सर है, हम सम्मान है। और बाकी हजारों एक्टर आते जाते हैं, उनके गुरु अलग रहते, मिट भी जाते। आज 35 साल से 36 साल से टिके हुए, एक जगह में टिकना। पिताजी को मालूम है, आज के साथ में हेड मास्टर कर रहे हैं, जितने आए कितने गए। मैंने आपको बोला शिवसेना प्रमुख के साथ 32 साल रहा, 45 साल महाराष्ट्र में, आप समझने होते हैं, समझते। लेकिन वो आदमी वो फिल्म लाइन में कितना, महाराष्ट्र फिल्म लाइन में ऐसे ही है। तो मैं राजेश जी को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने टीम बनाया, इनके वजह से हमारे नेपाल की हीरोइन का दर्शन हुआ। और राजेश भाई को बोला था तुम्हारी जवानी में, उनको बोला जवानी दिख रहे ऐसे थे। आज भी राजेश भाई पिक्चर सही किया, नेपाल के हीरो काम करने को डरते, डायलॉग नहीं बोल पाएंगे हम। डायलॉग सामने क्या बोलेगा जैसा हकीकत, सम्मान भी देते। इनका फैमिली है, बैकग्राउंड भी डर है, रॉयल फैमिली से, राजा किंग के खानदान से थे। और वो सबसे पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये किसी से यानी कि मेरे को मत करो ये छोटा एक्टर है, सबके साथ मिल जाते हैं। अरे जी धन्यवाद। और सबसे पहले टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, हमारे नेपाली भाई को भी धन्यवाद, सबको भाई धन्यवाद, डायरेक्टर जिला धन्यवाद, विश्वकर्मा जिला राम्रो गाना बनाए तपाईँले। सबसे पहला नेपाली में देवानंद की याद आया, मैं कल उनको बोल रहा था साहब के, देवानंद साहब भारत साहब के दोस्त थे, मैं बहुत बार छोड़ने को जाने को चांस मिला उनको। देवानंद साहब ने नेपाल के बारे में हर पिक्चर में उनका एक गाना होता था देवानंद का, नेपाल को पहचानने में देवानंद साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। महाराज जी का बहुत बड़े फ्रेंड थे वो, हमारे राजा महेंद्र जी के भी फ्रेंड थे, आपको तो मालूम वीरेंद्र जी का, राजेश जी का भी दोस्त थे। आज उसके बाद किसी ने नेपाल में ऐसा सोचा हिंदू नेपाल का रिश्ता सुधरे, कलाकारों का कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई देश नहीं होता सिंगर और कलाकार का, कोई जात नहीं होता है। उसी तरह से आज हमारा भारत और नेपाल का रिश्ता बीच में थोड़ा खराब हो गया था। प्रधानमंत्री केपी ओली जी आए थे तो सारा चाइना के तरफ थोड़ा चले गए, चाइना ने खाना ज्यादा दिया, इंडिया ने कम दिया था, तो उधर चले गए। तो आज वापस हमारे देवा जी आए, शेरबहादुर देवा जी कांग्रेस से आए, प्रधानमंत्री आए, हमारे मित्र है, वहाँ के घर के मेम्बर है, वो अभी थोड़ा हिंदुस्तान से प्यार कर रहे हैं, हमारा बॉर्डर सुधर रहा है, सिस्टम सुधर रहा है। क्यों 90% कामगार लोग हम हिंदुस्तान में आते हैं, चाइना में तो जा नहीं सकते, वहाँ लैंग्वेज सोचना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। इधर हमारे लिए इतिहास ऐसा है भारत और नेपाल का, शायद आप मीडिया वालों को मालूम है कि नहीं, पासपोर्ट लागू नहीं है हमारा, खाली इंडियन आईडी लागू है, वो भी कब से, जब गंगार कांड हुआ तभी से, जहाज हाईजैक कांड हुआ, बल्कि तुम हिंदुस्तानी हो, वो चाहिए हमको कि आईडी करो, तुम जन्मे कहाँ, भारत भारतीय हो, वो चाहिए। वैसे नेपाल का नागरिकता यहाँ आने के लिए इंटरनेशनल आईडी हो। दूसरा हजारों किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर खुला बॉर्डर है हमारा, आज भी ऐसे आधा खेत उधर है, आधा इधर है, गाय उधर चले जाती है, आज भी बेटी का शादी इधर होता है, इधर शादी होता है। हमारा एक सनातन धर्म का धरती दलित से बनी एक ही विश्व में ऐसा देश है, पासपोर्ट लागू नहीं, हम दूसरे देश में रह गए, अपने देश को प्रेम करते, सेफ लगते हमें, यहाँ कुछ भी रुकावट नहीं। संविधान में 1950 के संधि में हमें दिया गया है, आप रह सकते हो, यहाँ के प्रॉपर्टी ले सकते हो, यहाँ के कानून अगर 15 साल रह गया आप प्रॉपर्टी खरीद के आप नागरिकता बन सकते हो। वैसे इंडियन को नेपाल में है, हमारे कितने महाराष्ट्र लोग उधर है, गुजराती, नेपाल को डेवलप करने हिंदुस्तान के गुजराती मारवाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है, साउथ के कौम का बहुत बड़ा भी हाथ है, उधर नेपाल को बनाने में हिंदुस्तान का हाथ है जो डेवलप हुआ है, कॉलेज है, स्कूल है। पाकिस्तान बनने के कगार में है, अगर वो हो गया तो भारत को खतरा है। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के ध्यान दें, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर खुला है, पाकिस्तान से उधर नेपाल आएगा, नेपाल से हिंदुस्तान में आएगा, बम फोड़ के अफवाह रिटर्न जा सकता है, बांग्लादेश से नेपाल आएगा, नेपाल से इधर आ सकता है। तकलीफ किसको है, हमारे जैसे कामगार इधर आने वाले इंडियन। तो वो नेपाल का वो जरा ध्यान दे, भारत की पॉलिसी कोऑर्डिनेटिंग टीम है अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। भारत नेपाल में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान का लोग, बांग्लादेश के लोग आके उधर जगह खरीद रहे, होटलें खरीद रहे, वहाँ के नागरिकता ले रहे, वो थोड़ा देखने वाली चीज। भारत सरकार को समय रहते ही देखे, आप अमेरिका देख रहे हो, लेकिन आपका बाजू का घर में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय हमारे ओमकार परिवार के, विश्व के, सबके परिवार के हो, और नेपाल में भी ध्यान दें, नेपाली जनता को भी ध्यान दें। खतरा है, हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सर है, सबसे बड़ा पहाड़ है नेपाल का, वो वहां से चाइना चाहता है नेपाल, नेपाल को ले, अमेरिका चाहता है नेपाल को ले, अमेरिका भी चाहता है भारत को ही तोड़ना। तो बेस बनने नहीं दे, उसमें ध्यान दे रहा भारत सरकार नेपाल के ऊपर। और सबसे पहले मुझे विषय ये था, बोल दिया, माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उस इंसान से जुड़ा हूँ, हिंदू हृदय सम्राट बोले बाला साहब ठाकरे जी, विश्व को शांति और विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाने को निकले थे, और महाराष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने निकले थे। आज राजेश भाई धन्यवाद, आपके वजह से इन लोग से बस राजेश भाई ने काम है, लेकिन राजेश भाई ने एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए रिश्तों की बात की कि रिश्तों को जोड़ना है, दो कंट्रीज के रिश्तों को बेहतर करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जब आप पर्पस के साथ कुछ करते हैं काम तो आपको भी एक इंटरनल खुशी होती है। तो मैं सिर्फ 4 लाइन जो ये हूँ, बचपन से सब हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि नेपाल से तो हमारा रिश्ता पुराना है, कि फरिश्ते वाकिफ है मेरे एक सवाल से, कि इसके सीने में हसरत है कई साल से, थोड़ा फनी है लेकिन फरिश्ते वाकिफ है मेरे एक सवाल से, कि इसके सीने में हसरत है कई साल से, कि जो रिश्ता है रजमले का बंगाल से, वही बन जाए हिंदुस्तान का नेपाल से। जैसा आप जानते हैं कि दीवानगी है नेपाल की, हमने गाने में भाई लिखा भी है कि जिसने भी देखा एक नजर उसको ये यकीन है नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन है ना, आसमां को है खबर जानती है। थैंक यू मैम। आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत सही टाइम पे पहुँची। मैंने पूरा सॉन्ग देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल शूट है, बहुत ही प्यारा प्यारे लोकेशन है और एक्टर तो नो डाउट सभी बहुत अच्छे हैं। और हाँ यस यस मैं चाहूँगी प्लीज आपको लिखना होगा पहले राजीव। हाँ सब कोई नहीं आएगी ना, फिर हम आराम से आएंगे ना, कुछ ही पहले आप आइए। हाँ पहले फर्स्ट आप आ जाइए, उसके बाद सबको इन्वाइट करेंगे। और मैं सभी लोग बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैंने जहाँ तक एल्बम देखा सभी का एक्ट प्यारा था। और नेपाली इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सुना है और वहाँ के कुछ एक्टर भी हैं जो भोजपुरी में काम करते हैं, तो मैं वहाँ पे शूटिंग बहुत अच्छे से होती है, गाने बहुत अच्छे शूट होते हैं, एक्शन बहुत अच्छे होते हैं और टाइम वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर शूटिंग होती है। एक सॉन्ग की आई थिंक 3 दिन तक भी चलती है, 4 दिन तक भी चलती है शूट। एक्शन पूरा एक तैयारी के साथ होता है जो हमारे यहाँ पे थोड़ा कम टाइम मिलता है, सब कुछ थोड़ा फास्ट करना होता है। तो मैं चाहूँगी स्टेज के ऊपर एक बार मेरे साथ में पूरी टीम आ जाए। आप मैं चाहूँगी राजीव आप नाम अनाउंस करें प्लीज। ओके नीति, रोशनी, प्रिंस, दशरथ जी, अराफत भाई, आशीष भाई, please once again. Yeah, it's so nice of all of you, you know. सर सामने देखिए, सामने यहाँ पे. सर एक विजुअल है, विजुअल आइए सर सामने आइए. Yes. ये सामने देखिए सर, यहाँ पे सामने देखिए. बड़ा. Thank you so much. आइए सर. Thank you so much. और हम इंडो नेपाल कल्चर को एक शेप देना चाहते हैं और इंडो नेपाल कल्चर को हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल अलग नहीं है, एक देश है और एक जैसे लोग हैं हम, एक हमारा बोली है, सब लोग हिंदी समझते हैं नेपाल में। और हम इससे दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है इंडिया में और नेपाल में, हम इसको साथ में लाना चाहते हैं। इसीलिए हमने आधा नेपाल से लिया है एक्टर्स और आधा इंडिया से लिया है और हम हमारा सिंगर इंडिया से है और डायरेक्टर वहाँ से और प्रोडक्शन हमने उधर किया, शूट किया है और यहाँ पे हमने गाने को कंपोज़ किया है और अराफात भाई ने गाना लिखा है। सो इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। ये एक साथ में हम लोगों ने मिलके किया है, इंडिया और नेपाल टीम मिलके, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया है सामने और हम इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो अराफात भाई नहीं, राजेश भाई ने जब मुझसे कहा कि मतलब एक गाना करना है तो मैंने वही जो मैंने अपनी शुरुआती स्पीच में कही थी कि मैंने वो पूछा कि किस लिए करना है। तो गाने तो बहुत लिखते हैं, आपने देखा होगा कि मेरा एक गाना है जो 1.4 बिलियन भी है यूट्यूब पे वास्ते नाम से, कई सुपरहिट गाने मैंने दे दिए। लेकिन जब किसी मकसद के तहत आपको आवाज़ दी जाती है तो वहाँ पर कलमकार का, वहाँ पर फ़नकार का, वो जो फ़नकार की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब राजेश भाई ने कहा कि दो खूबसूरत कंट्री के तमाम खूबसूरत लोगों को जोड़ना है तो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत गाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन नेपाल की अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने अपने सीने में इतने खूबसूरत मनाजिर छुपा रखे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाता है बात कहनी। तो मैंने वही जो आजकल गूगल सर्च किया, नेपाल को देखा, लिखते वक्त बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत कुछ है बयान करने के लिए। लेकिन वही है कि गाने की लिमिटेशन होती है कि आपको 3-3.5 मिनट में अपनी बात कहनी है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि किस तरह से आप लोगों को पहुंचा जाए। एक बेहतरीन कोशिश की है मैंने और जिस तरह से लोग मुझे मेरे कान में आगे सरगोशी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, तो लग रहा है मैं कामयाब हो गया। तो आई होप कि हमारी ये कोशिश थी जोड़ने की, इस कोशिश को आप एलेबोरेट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे, सिर्फ नेपाल ही क्यों। इंशाअल्लाह जब हिंदुस्तान और नेपाल एक हो जाएगा तो हम इस मिशन को बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, शायद क्रिकेट वगैरह का भी। तो राजेश भाई ने एक तमाम चेहरों को, चेहरे के गाने का नाम चेहरा है और इस चेहरे का एक ही मकसद है कि हम आप सब के चेहरे पर खुशी की लकीरें बिखेर दें। बस एक बार नटशेल में यही कहना चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ आएँ तो हम कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आपकी आवाज़ है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है, और क्या कैसा है? नहीं नहीं, अरे यार बताना जरा, कभी तो सीखा। सर बताइए गाने के बारे में, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नेपाल में शूट हुआ है क्या? आपने विजिट किए थे तभी या फिर? जी, तो इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक विज़न कैरी करते हैं, जो जिनके कुछ गोल्स हैं, और राजेश सर वाज वन ऑफ देम। एंड उनकी एक मुझे यूनिक बात ये लगी कि उनका जो पैशन है और जो ड्राइव है वो मतलब इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है हम अगर कभी मैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और इतने बड़े मंच पे आज ये गाना लॉन्च हुआ है, और इतने बड़े लिरिसिस्ट का मुझे साथ मिला, अराफत महमूद साहब, कि मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को, और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ये कंपोज करने की जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही। इस दौरान मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक शो के वजह से मेरा जाना हुआ नेपाल, और उस दौरान मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने थोड़ा कंपोज करने की कोशिश की, और एक हम्बल एफर्ट है। आप ज़रूर इसको सुनिए, और जो आपको लगे वो ज़रूर मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि म्यूज़िक कंपोज कर पाना ये मेरे लिए एक लाइफ का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और राजेश सर जैसे बड़े बड़े लोगों का अगर साथ हो तो 100% वो पूरा होगा। आशीष जी, इंडियन आइडल के दौरान बहुत सारे लेजेंड्स को मिले, अराफत जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा? अराफत सर के साथ मैंने पहला गाना किया, हाँ ये आप पहला गाना किया था मंजूर दिल नाम का, उससे पहले मंजिलों का जुनून। अरे बाप रे, मंजिलों का जुनून, करेक्ट। तो मारुति सुजुकी का प्रमोशनल सॉन्ग जो था वो भी अराफत भाई ने लिखा था। उसके बाद बाहर आने के बाद पवनदा और मेरा जो फर्स्ट कंपोजिशन है साथ में, मंजूर दिल नाम का, 18 मिलियन हो भी चुका है अभी, 18 मिलियन पे चल रहा है अभी, मुझे पता चला। बहुत सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, और इतने एस्टेब्लिश्ड और इतने सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट हैं अराफत भाई की, उनके अंडर हम भी छत्र छाया के नीचे आपके हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं खुद, और उनके पास जो एक थॉट प्रोसेस है वो इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले 50 गाने अगर मैं कंपोज कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे अराफत भाई लिखे। तो इनके टैलेंट से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसा मैं कहूँगा। तो अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। अच्छा, ये वाला गाना और क्या गाना, 2 गाने, चलो पहले दूसरा सुनाए साहब। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मज़ा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सज़ा, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। तो ये गाना, हाँ जी, ये गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि बिफोर आई मैं गाऊँ, उसके बाद कोई और आए और कोई और बोले। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, इसको बहुत शेयर करें, हर जगह पे इसको फैला दीजिए, और प्लीज़ आपके जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके 2 लाइनें बस जो कोरस है वो सुना देता हूँ मैं कि जिसने देखा एक नज़र उसको भी यकीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है, आसमां को है खबर और जानती ज़मीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है। थैंक यू, वेरी हैप्पी, क्योंकि ये हिंदी सॉन्ग है और हिंदी इंडियन टीम ने बनाया हुआ है, मगर प्रशंसा नेपाल का करता है ये गीत, और नेपाल की रहन सहन दिखाया है, तो मेरे ख्याल में ये कल्चरल टाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडियन सॉन्ग, इंडियन टीम और नेपाली टीम मिलके दोनों देशों को शायरी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को नज़दीक ला रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई। After long time you are coming to Mumbai, how was your experience and क्या कहना चाहेंगे मुंबई के माहौल के बारे में, इंडिया के? मुंबई में तो एक अलग ही एनर्जी है, नहीं ये तो वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ अच्छा है, यहाँ सब बैकग्राउंड, सब स्ट्राटा, सब किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन देखने का मौका मिलता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर फिर भी सब लोग जितने भी मुंबई में रहते हैं सबको ये लगता है कि मुंबई हमारा है और ये हम ही यहाँ के हैं। तो एक अच्छा एनर्जी मिलता है यहाँ के, यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी ने हमारा देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया है, वहाँ ने अपने क्या मुंबई का जो खास खाने का चीज़ होता है वो सब हमें खिलाया है। So any plans to do a Bollywood film? क्यों नहीं, मैं तो कलाकार हूँ, मैं हर तरीके की फिल्में करना चाहता हूँ। अब राजेश जी और हम कुछ प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक गीत तो हम कर ही रहे हैं, एक गाना, और प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा तो लाइन ही यही है, फिल्में बनाना मेरा पेशा है और राजेश इसमें शामिल हैं। तो हम दोनों कुछ इंडो नेपाल प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे लगता है। I grew up watching Bollywood movies in Nepal, so I'm quite it's similar, but the whole project was so beautifully done. I made good friends like Roshmi and Rajiv and you know the whole crew member. I actually came to Mumbai a month back for a work, for my own personal work, and then I happened to meet Rajesh, so it was unplanned. We met and he asked me like if I would be interested to do this music video, which you know it revolves around the relationship between the two countries, Nepal and India, and I instantly said okay, why not, it's a great project. And they came over to Nepal and we had such a great time shooting. It was like we were like a family shooting together and I had such an exceptional great time, and I would love to work with the team again in future. Yeah. And who is your favorite actor in Bollywood? Ranveer Singh. I really like his style and I am head over heels for him. He is an amazing actor. Roshmi, how was your experience? कैसा था experience नीति के साथ और पूरी cast and crew के साथ? आप लोग नेपाल भी गए थे? हाँ जी। कुछ बताएं हमारी audience। So पहले तो मैं thank you बोलूँगी राजेश सर for giving the opportunity। मैं जितना बार भी thank you बोलूँ मुझे लगता बहुत कम है, क्योंकि I've made very beautiful friends there and the place is amazing. और मुझे सच में first time ऐसा पता चला है कि इंडिया के बाहर कोई ऐसा country है जो बिल्कुल इंडिया जैसे ही है, वहाँ का culture, the way they speak, the way they welcome, like हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, so they also follow that, you know, and yeah, it was an amazing experience. And firstly when I heard the song, I loved the song so much. I was like, I'm glad that I got this opportunity and I'm going to grab it right now. I'm not going to let it go. So yeah, it was amazing. And the entire team, as Niti said, there's nothing different that I would like to add, but we are a family and I hope Hare Krishna will do so many more projects together. Yeah. And thank you Niti. She has been the most wonderful girl ever I've met ever. She's so kind, she's so generous, she's so sweet and she's very talented. She actually took great care of the team. Along with the team, she was the one who put a lot of effort to make us feel very comfortable and like home there in Nepal. So thank you for that. Thank you. Plans to collaborate with Rajesh sir and Niti again? Why not? Doing a part 2 of this song in India. Yeah. Yeah. So now the Nepali team is coming to India. And that's going to be another part 2 of the song. Yeah. So now this time we are going to show our India, Bharat Mata Ki Jai, in a very different way with a beautiful song again. Yeah, inshallah. Hare Krishna. Yeah. Thank you so much. Thank you. जो है राजेश सर से मिला है और नेपाल के सुपरस्टार हैं. Were you nervous before doing this song और क्या कहना चाहेंगे आप? First of all, Rajesh sir एक्टिंग तो नहीं कर रहे ना, तो nervous we were not nervous. In fact we always knew from Rajesh bhai that Rajesh Amal sir is a very down to earth person. Of course we know his the lineage he has and the kind of fan following he has in Nepal. So but then as a person we have understood what kind of a guy he is. So we were never nervous, and about the shooting we were there for, in fact we were there for only 3 days. That is the saddest part. We wanted to be there for a week at least. Yeah. So we had to finish it in such a short span of time. Maybe we were shooting day and night, so we couldn't actually explore the whole of Nepal. That is one thing which still haunting us, in fact. So but then we are planning to go there and shoot there again. So we are going to do that next time. And about love which we were showered when we were. For example, if you are going for a jog on the street also, and the love they are giving us is unparalleled. It's so good, it's so good. You feel like you are walking on the streets of India. So that is the kind of warmth which we are getting from there. So it was always good, and thanks to the director and the co-actors, we were always there in the comfort zone. We could give our best, and thank you Rajesh bhai. Thanks a lot. Thank you. Yeah, Prince. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है. जो नेपाल और इंडिया का जो दोस्ती रहता है तो इसमें दिखाया गया है, तो इसमें नेपाल का ब्यूटीनेस सब कुछ दिखाया हुआ है. तो अभी नेक्स्ट टाइम दूसरे सॉन्ग में आने वाला है, अभी इंडिया का ब्यूटीनेस क्या है वो सब दिखाएंगे उसमें. तो अभी बॉलीवुड में जो सॉन्ग मूवीज़ रहते हैं वो सबको हम देखते रहते हैं. अभी नेपाल का भी इधर मूवी आएगा, उधर का भी होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा. ये कहना चाहता हूँ. हमारे डायरेक्टर सर दशरथ सुना सर है, वो मेरे गार्जियन भी है. सब राजीव भाई और हमारे को एक्ट्रेस सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, और आप सबको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, कितना इजी या डिफिकल्ट था पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना आपके लिए? या एज अ प्रोफेशनल इट्स नॉट डिफिकल्ट. दिस इज माय जॉब राइट, सो आई हैव टू हैंडल ऑल द प्रोजेक्ट बिकॉज I always believe in action. This is my profession. That's why it was very easy for me. And how was your experience shooting with the actors? Oh my God, it's amazing. Yeah, it was, you know, as a captain of the ship, you know, I was more, you know, have to more focus on the camera set, frame, and all the angles. While working with my cast and crews. Amazing. Amazing. Even I can't express my words inside in front of the camera, but it was quite amazing. So guest bhi yahan par hai. Shubhi ma'am, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने गाना देखा, गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ बताएं आप? बहुत प्यारा है, वॉइस बहुत प्यारी है, शूट बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है. प्रॉपर आर्टिस्ट, लोकेशन, एवरीथिंग इंक्लूड करके दिखाया है. वरना कई बार क्या होता है, सॉन्ग शूट होता है बट या तो सिर्फ आर्टिस्ट ही दिखते हैं या फिर लोकेशन ही दिखती है. इस गाने में ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था. वॉइस से लेके, लोकेशन से लेके, एक्टर्स से लेके, डायरेक्शन से लेके, एवरीथिंग इज सुपर्ब. और मैं इस सॉन्ग के लिए यही कहना चाहूँगी, जो मेरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया है, मैं जहाँ जहाँ पे हूँ मैं इस सॉन्ग को प्रमोट करूँगी, क्योंकि मुझे गाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है डेफिनेटली. और मैं चाहूँगी जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस सॉन्ग को देखे और अपना ढेर सारा प्यार दे. और तो मैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, और ऐसे गाने आप बैक टू बैक बनाइए. थैंक यू सो मच.